लॉकडाउन की हो रही है तो हम आपको ये जानकारी जरूर देना चाहेंगे। एक लंबा अरसा गुजर चुका है, करिश्मा को अब किसी शख्स के साथ देखे प्यार के फूल खिलाते। जी हाँ, प्यार और रोमांस रिश्ता करिश्मा का बीते कई महीनों से नहीं जुड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि रूमर्ड बॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल के साथ अपने अफेयर और अपने सेकंड मैरिज को लेकर करिश्मा बीते सालों तक चर्चाओं में रही, लेकिन अब जो खबर कुछ महीने पहले आई, यानी कि बीते साल आई कि करिश्मा अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही है, जिससे संदीप के साथ उनका रिश्ता टूटता नजर आया। तो दोनों प्राइवेट पार्टी फंक्शन में साथ नजर आते थे, डिनर पार्टी साथ किया करते थे, डिनर डेट पर जाया करते थे। वो करिश्मा और संदीप के बीच अब दूर दूर तक वो नजदीकियां देखने को नहीं मिलती। करिश्मा अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, तो वहीं संदीप के साथ उनका वक्त गुजारना काफी समय से नहीं देखा गया। वेल, अब इसके पीछे कारण जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि करिश्मा को लेकर रणधीर कपूर ने जो खबर दी थी इंटरव्यू में कि करिश्मा दूसरी शादी नहीं करना चाहती है, फैंस के लिए बुरी खबर ही तो है, क्योंकि करिश्मा को रियल लाइफ में एक परफेक्ट हस्बैंड के साथ देखने की उम्मीद तो अब भी जगा बैठे हैं फैंस। जिस तरह करिश्मा ने संजय कपूर के साथ शादी करने के बाद दो बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को खुशनुमा तरीके से गुजार कर आगे बढ़ाया था, तो वो संजय के साथ उनका तलाक हो जाना और रिश्ता पूरी तरह से टूट जाना, कहां किसी को इस बात की उम्मीद थी। ऐसे में संजय को तो नया साथ मिल गया, एक नई वाइफ, तीसरी पत्नी के साथ उन्होंने एक और नन्हे मेहमान के पिता बनने की खुशखबरी दी, लेकिन करिश्मा अब भी अपनी जिंदगी में तन्हा और अकेली है। चेहरे की खुशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो अपने दर्द को छुपाती है, अपने गम को छुपाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।